नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह राणा, यूसक साइंस लेक्चर सीरीज के अंतर्गत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे विशिष्ट मेहमान डॉक्टर आलोक मेठानी। डॉक्टर आलोक मेठानी का संक्षिप्त परिचय मैं देना चाहूंगा। आपने अपनी पीएचडी केमिस्ट्री विषय से सन 2012 में HNP गढ़वाल यूनिवर्सिटी श्रीनगर से संपन्न की है तथा वर्तमान में आप सरदार भगवान सिंह इंस्टीट्यूट बालावाला देहरादून में अप्लाइड केमिस्ट्री विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। और आज लेक्चर सीरीज के अंतर्गत हमारा टॉपिक है स्टीरियो केमिस्ट्री पे। मैं डॉक्टर मेठानी जी को लेक्चर के लिए आमंत्रित करूँ। धन्यवाद राणा जी। हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टीरियो केमिस्ट्री। और आज के बाद 2-3 लेक्चर्स तक अब ये जो सीरीज चलेगी वो स्टीरियो केमिस्ट्री के ऊपर हमारा डिटेल में डिस्कशन होगा। तो स्टीरियो केमिस्ट्री को जो समझाऊंगा मैं, मेरी बोलने का जो लैंग्वेज रहेगी वो हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगी। और हिंदी के बच्चों ने जो अभी तक हिंदी में पढ़ा होगा तो उनके भी टर्म्स इसमें डिस्कस किए जाएंगे, मगर आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसमें इंग्लिश के जो टर्म्स यूज़ किए जा रहे हैं आप उसको बहुत अच्छे से समझें, क्योंकि बच्चों हायर क्लासेस में जो पढ़ाई आपकी ज़्यादातर होगी अब वो इंग्लिश में होगी, और इंग्लिश में आप पढ़ करके आपको बहुत आसानी से एक दूसरे को कोरिलेट करना आ जाता है। तो इसलिए आप लेक्चर को हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में सुनेंगे, मगर इसमें जो टर्मिनोलॉजी रहेगी वो उसका वो थ्रू आउट जो है इंग्लिश में रहेगी, तो आपको उसका ध्यान रखना है। ओके, सो स्टीरियो केमिस्ट्री समझने से पहले बच्चों हम लोगों को आइसोमेरिज्म को समझना है। तो मैं आपका आज का टॉपिक शुरू करने से पहले थोड़ा सा आइसोमेरिज्म के बारे में डिस्कस करूंगा। तो आज टॉपिक शुरू कर रहे हैं हम लोग आइसोमेरिज्म से। आइसोमेरिज्म जिसे कि समावयवता कहते हैं, एक ऐसा गुण है जिसमें दो कंपाउंड, दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रखते हैं मगर उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में एक दूसरे से डिफरेंस होता है जो कि उनके संरचना में डिफरेंस के कारण होता है। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं कि एक दो समावयवी वे दो तत्व हैं या दो कंपाउंड्स हैं जिनके की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है मगर उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं। तो आइसोमेरिज्म को हम ब्रॉडली दो क्लासेस में तोड़ते हैं। एक कैटेगरी है हमारी इसमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और दूसरी कैटेगरी है हमारी स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का मतलब संरचनात्मक समावयवता और स्टीरियो आइसोमेरिज्म का मतलब त्रिबिंबीय समावयवता। त्रिबिंबीय मतलब थ्री डायमेंशनल। तो पहले हम लोग संरचनात्मक समावयवता पढ़ेंगे जो कि आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ी होगी, एक क्विक रिवीजन करेंगे जिससे कि जिन लोगों ने नहीं भी पढ़ी होगी उनको भी समझ में आ जाएगी, और इसके बाद हम एडवांस टॉपिक में जाएंगे जो कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, जिसके बेस पे हम स्टीरियो केमिस्ट्री को बहुत क्लियरली समझने की कोशिश करेंगे बच्चों। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का मतलब है संरचनात्मक, संरचनात्मक का मतलब हो गया बच्चों उनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस आएगा। आप लोग जब भी इसके एग्जांपल्स देखेंगे तो आप स्ट्रक्चर देख करके ही समझ जाएंगे कि ये दोनों एक दूसरे से स्ट्रक्चर में डिफरेंट है। ओके, तो इनको मैं अगेन 5 कैटेगरीज में हम लोग बांट देते हैं, 5 क्लासेस होती है इसकी उसमें हम बांट लेते हैं। और सबसे पहली कैटेगरी जो हम लोगों को डिस्कस करनी है वो है चेन आइसोमेरिज्म, जिसको आप लोग श्रृंखला समावयवता भी कहते हैं। चेन आइसोमेरिज्म में दो समावयवी एक दूसरे से श्रृंखला में डिफरेंट होते हैं, एक दोनों की जो श्रृंखला रहेगी वो श्रृंखला जो रहेगी दोनों में डिफरेंट रहेगी। इसको समझने के लिए बहुत क्लासिकल एग्जांपल्स लेकर के हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, ये एक कार्बन की श्रृंखला है, इसमें कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। आप देख सकते हैं इसमें 5 कार्बन की एक श्रृंखला है। अगर मैं इस कंपाउंड को पूरा बनाऊं तो आप लोगों को पता है ये एक एल्केन बन गया, क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड है तो ये एक एल्केन बन गया। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें, C5H12 हो गया जो कि एल्केन का फॉर्मूला होता है, और CnH2n+2 जनरल फॉर्मूले से रिप्रेजेंट होता है। तो आप इस स्ट्रक्चर को देख करके 5 कार्बन की एक एल्केन को देख रहे हैं जिसका नाम की नॉर्मल पेंटेन है। ये क्या है बच्चों, नॉर्मल पेंटेन। इस नॉर्मल पेंटेन का मैं दूसरा रूप आपके सामने बना रहा हूं, आप देखें ये दूसरा मॉलिक्यूल है जिसमें कि 5 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब ये भी एक 5 कार्बन का एल्केन है, मगर इसमें जो श्रृंखला है
वो चार कार्बन की है। इसमें जो मेन श्रृंखला है आप उसको देखें तो ये चार कार्बन की है। मैं इसको पूरा कर रहा हूं, देखिए इसमें चार कार्बन की एक श्रृंखला है और एक साइड चेन है, पार्श्व श्रृंखला है। तो इस तरीके से इस पूरे मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो C5H12 ही हो जाएगा, मगर इसका नाम नॉर्मल पेंटेन नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मल पेंटेन तो इसका नाम है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम है आइसो पेंटेन। अब आप इन दोनों को आपस में देखिए, ये दोनों एक जैसे नहीं है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसमें एक श्रृंखला है पांच कार्बन की और इसमें एक श्रृंखला है चार कार्बन की, इसलिए ये एक दूसरे के श्रृंखला समावयवी हो गए, एक दूसरे के चेन आइसोमर्स हो गए। एक एग्जांपल मैं इसमें और ले रहा हूं और आप इस कैटेगरी के जितने भी एग्जांपल्स होंगे उनको अपने से कर लेंगे। देखिए एक मॉलिक्यूल मैंने इस कैटेगरी में ये और ड्रॉ कर दिया, मैं इसको पूरा कर रहा हूं। ये जो हमारा मॉलिक्यूल है इसमें भी पांच कार्बन है और आप देख सकते हैं 12 इसमें भी हाइड्रोजन है, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी क्या हो गया, अगेन C5H12। ये भी एक एल्केन हो गया और ये आइसो नॉर्मल पेंटेन से अलग है, इसका नया इसका नाम हो गया नियो पेंटेन। ये जो नियो पेंटेन है बच्चों, इसमें तीन कार्बन की एक चेन है, ऊपर वाले में चार थी, उससे पहले वाले में पांच थी, मगर केवल चेन में डिफरेंस है और इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में सिमिलरिटी है, मगर इस डिफरेंस के कारण भी इनकी इनकी और इनकी एक दूसरे से फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाती है। देखिए नाम ही अलग हो गया तो उन लोगों की केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग हो गई, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी अलग हो गई। तो इस प्रकार से ये तीन अलग अलग मॉलिक्यूल एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से बने हैं और ये एक दूसरे के चेन आइसोमर्स हो गए। तो ये तो चेन आइसोमेरिज्म है, पहली कैटेगरी है। अब अगर आप लोग इसको लिखना चाहें इन बातों को, तो बहुत शॉर्ट में मैं यहां पे पॉइंट डाल देता हूं, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट चेन लेंथ, कहेंगे कोई भी चेन आइसोमर्स क्या है जिनके सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होंगे मगर उनके चेन लेंथ जो होंगी वो डिफरेंट होंगी, ऐसे लोगों को एक दूसरे के चेन आइसोमर्स कहेंगे। और एग्जांपल के लिए आप लोग पेंटेन के तीनों एग्जांपल्स लिख सकते हैं, नॉर्मल आइसो और नियो पेंटेन। ठीक है बच्चों, ये तो हमारी पहली कैटेगरी है जैसे कि हमने चेन आइसोमर्स कहा। इसके अलावा दूसरी कैटेगरी देखेंगे तो वो होगी पोजिशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म का मतलब हो गया स्थान समावयवता। स्थान समावयवता में एग्जांपल से बताएंगे, देखिए अगेन मैंने एक पांच कार्बन की चेन बना दी, ठीक है, प्रोबेबली ये एक पेंटेन है CH3 CH2 Cl CH2 CH2 CH2, ये एक पेंटेन है मगर इसमें एक क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है तो ये क्लोरो पेंटेन इसका नाम हो गया, वन मोनोक्लोरो पेंटेन इसका नाम हो गया। अब आप देख रहे हैं कि ये क्लोरीन कहाँ है, आखिरी में है, पहली पोजीशन में कहेंगे या फिर आखिरी में कहेंगे, तो ये यहाँ पे है, टर्मिनल पोजीशंस में आप लोग कह सकते हैं। अच्छा इसी तरीके से अगर हम इसका एक एग्जांपल इस तरीके से बनाएं, और हम इसका एक और प्रोबेबल स्ट्रक्चर बना सकते हैं, तीनों एग्जांपल्स में बच्चों हम तीनों में मोनोक्लोरोपेंटेन को ही देख रहे हैं। तीनों पेंटेन है, तीनों में एक ही क्लोरीन है, इसलिए ये तीनों के तीनों मोनोक्लोरोपेंटेन हो गए, मोनोक्लोरोपेंटेन। मगर डिफरेंस कहां पे है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं क्लोरीन यहां पे पहली पोजीशन में है, यहाँ पे क्लोरीन दूसरी पोजीशन में आ गया और यहाँ पे क्लोरीन तीसरी पोजीशन में आ गया। इसलिए क्लोरीन ने अपनी क्या चीज चेंज किया, स्थान चेंज किया। क्लोरीन ने अपनी क्या चीज चेंज की, पोजीशन चेंज की। इसलिए इसके द्वारा बने हुए सारे के सारे समावयवी क्या है, एक दूसरे के स्थान समावयवी या पोजिशन आइसोमर्स है। इसको अगर हम लोग नाम देंगे तो इसको वन क्लोरो पेंटेन देंगे,
इसको अगर हम देंगे तो ऑब्वियसली बात है 2-क्लोरो-पेंटेन देंगे, और इसका नाम करेंगे अगर हम तो इसको हम 3-क्लोरो-पेंटेन कहेंगे। तो ये हमारे पास तीनों एग्जाम्पल, जैसे कि आप लोगों ने चेन आइसोमर्स में देखे थे बिल्कुल उसी से रिलेटेड रिलेटेड एग्जाम्पल्स, मगर केवल क्लोरीन की एक दूसरी जगह पे पोजीशन चेंज करने के कारण ये तीन अलग अलग आइसोमर्स बने हैं। तो इन लोगों का नाम आपस में क्या हो गया, ये तीनों एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने एग्जाम्पल देखा। अच्छा, अगर इसकी इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को पॉइंट आउट करने के लिए बोले, जैसे यहाँ पे लिखा, तो हम क्या लिख सकते हैं पोजीशन आइसोमर्स के लिए, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये तो सबके लिए सेम रहेगा क्योंकि ये लोग तो आइसोमर्स है। इसी तरीके से डिफरेंट चेन लेंथ की जगह क्या आ जाएगा, डिफरेंट पोजिशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। तो हम यहाँ पे केवल इस पॉइंट को ही लिख रहे हैं, डिफरेंट पोजिशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। मैंने यहां पे फंक्शनल ग्रुप्स वर्ड का नाम दिया। तो आप लोगों ने देखा हमने क्लोरीन की पोजीशन को एक दूसरे से चेंज किया। आप लोग दूसरे एग्जांपल खुद से भी बना सकते हैं, क्लोरीन की जगह आप हाइड्रोक्सिल ग्रुप ले लें तो वह एक पेंटेनॉल बन जाएगा, 1-पेंटेनॉल, 2-पेंटेनॉल और 3-पेंटेनॉल, आप इस तरीके से एग्जाम्पल बना सकते हैं। या फिर आप कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा करके जो कि अपनी पोजिशन चेंज कर सकता है, आप उसको इस एग्जाम्पल पे फिट कर सकते हैं। तो ये आपके एग्जाम्पल्स बन जाएंगे। देखिए इसमें एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं पेंटेनॉल। अब ये 1 भी हो सकता है, (2, 3). अच्छा देखिए, अगर हम फोर्थ पोजीशन में लेके चले जाएंगे, देखिए अभी तो हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहां पे लेकर के आएंगे तो इसका नाम पेंटेनॉल बन हो गया, यहां पे लेकर के जाएंगे तो पेंटेनॉल 2 हो जाएगा, यहां पे लेके जाएंगे तो पेंटेनॉल 3 हो जाएगा। मगर अगर हम यहाँ पे लेकर के जाते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप को तो ये अगेन कौन सा एग्जांपल हो जाएगा, ये 2 पोजीशन हो जाएगी, क्योंकि अब हमारी काउंटिंग बच्चों यहां से शुरू होगी। तो आप इसको 2 बोलेंगे और यहाँ पे अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाएगा तो इसको 1-पेंटेनॉल बोलेंगे। इसलिए मैंने इन दोनों पॉइंट को मेंशन नहीं किया, मैं केवल 1, 2, 3 यहां से या यहां से कहीं से भी काउंट कर लूं तो केवल इसके 3 ही पोजीशन आइसोमर्स एक दूसरे से बन सकते हैं। अगर आपको कभी कोई पूछे कि भाई इसके कितने आइसोमर्स बन सकते हैं तो आपको कभी भी इसका आंसर 4 या 5 नहीं देना, इसके 3 आइसोमर्स बन सकते हैं क्योंकि चौथा आइसोमर्स तो सेकंड आइसोमर्स था, है ना। तो इस तरीके से आप लोग बिल्कुल भी डाउट में नहीं रहेंगे। तो ये हमारा दूसरी कैटेगरी है जिसे हमने पोजिशन आइसोमर्स कहा। इसके बाद थर्ड कैटेगरी है बच्चों जिसको हम फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कहेंगे। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में, फंक्शनल ग्रुप मतलब क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह मतलब जिसके कारण केमिकल रिएक्शंस होती है, कोई कंपाउंड जिसके कारण केमिकल रिएक्शंस देते हैं उसे हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। जैसे कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गया, कार्बोनाइल ग्रुप हो गया, एसिडिक ग्रुप हो गया, इस तरीके से जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स आप लोगों ने पढ़े, क्रियात्मक समूह पढ़े, अगर ये फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट होते जाए, दो आइसोमर्स के बीच में फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट हो जाए, तो ये इस तरीके के जो एग्जांपल्स आएंगे आपको वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म के अंदर आएंगे। एक बहुत अच्छा क्लासिकल एग्जांपल इसमें आप लोग देखिए, बच्चों ये मैंने एक एग्जांपल बनाया, आप सब लोगों को पता है कि इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो ये है और आप इसको क्या कहते हैं, ईथर, हम लोग इसको ईथर कहते हैं। हालांकि इस पूरे कंपाउंड का पूरा नाम है डाइईथाइल ईथर, मगर इस कंपाउंड को इस कैटेगरी का रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, इसका नाम ईथर ही पड़ गया। इसी तरीके से मैं अगर इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को देखिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखिए कितना है इसका, C4H10O, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब आप इसका एक दूसरा एग्जांपल देखें, CH3CH2CH2CH2OH। अब आप ये एग्जांपल देखें, इस एग्जांपल में आपके देखें 1, 2, 3, 4 तो इसमें भी कार्बन के हैं, 4 कार्बन के मॉलिक्यूल्स हैं। हाइड्रोजन को काउंट करें 3-5-7-9-10, यू कैन काउंट दैट हाइड्रोजन आर 10 एंड 1 ऑक्सीजन एटम ऑल्सो, सो द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम इन बोथ द केसेस। ठीक है ना, दोनों के दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के समावयवी हैं, ये बात तो पक्की है। अब ये किस तरीके के समावयवी हैं, देखें यहां पे फंक्शनल ग्रुप आप लोगों ने अभी मार्क किया,
इसको क्या कहते हैं हम, ईथर। और यहां पे अगर फंक्शनल ग्रुप कोई होगा तो कौन सा होगा, ये वाला। इस फंक्शनल ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, एल्कोहल, एल्कोहल बोलते हैं, ठीक है। तो एक कंपाउंड तो हमारा ईथर हो गया देखिए, पर एक कंपाउंड हमारा एल्कोहल हो गया। सब लोगों को पता है एल्कोहल जो है एक थोड़ा सा पोलर कंपाउंड है। आप लोगों को थोड़ा जानकारी दे देते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है या OH ग्रुप जो होता है थोड़ा पोलर ग्रुप है, जबकि O जो यहाँ पे ईथर आया हुआ है ये नॉन पोलर है या फिर हाइड्रोफोबिक ग्रुप है। तो ये दोनों में केवल इतने डिफरेंस के कारण दोनों कंपाउंड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज देखिए एक दूसरे से कितना डिफरेंट हो गई। मेरा कहने का मतलब है अगर मैं पानी में इसको डालूंगा तो ये पानी में घुल जाएगा, घुलनशील होगा, जबकि अगर पानी में इसको मिलाया जाएगा तो ये पानी में घुलेगा नहीं, मतलब अघुलनशील होगा। इस तरीके से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में एक दूसरे से डिफरेंस आ गया। और केमिकल प्रॉपर्टीज में कैसे डिफरेंस आ गया, देखिए ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप एसिड के साथ रिएक्शन करता है, आपको पता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप की अपनी अपनी रिएक्शंस होती है। जैसे ये एस्टर्स बना सकते हैं, एसिड के साथ अगर मैं इसकी रिएक्शन करा दूं तो ये एसिड के साथ जुड़ करके COO और इस पूरे को अगर मैं R बोलूं तो ये R बना देगा। कहने का मतलब ये एसिड के साथ रिएक्शन देता है, जबकि इसको एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं देगा। तो इसका मतलब इसके केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो गई। तो ये दोनों आइसोमर्स एक दूसरे से फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज से डिफरेंट हैं, मगर इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। तो इसलिए आप इस कैटेगरी में इस एग्जाम्पल को फिट कर सकते हैं कि यहाँ पे ईथर और एल्कोहल। इसी तरीके से कोई भी ईथर और कोई भी एल्कोहल, एक कोई भी ईथर का एक समावेश भी क्या हो सकता है, एक अल्कोहल हो सकता है। देखिए अगर मैं ये एग्जांपल इससे चेंज कर लूं, CH3CH3O डाइमिथाइल ईथर, तो इसका एक एग्जांपल, इसका एक आइसोमर, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर क्या हो सकता है, C2H5OH जिसे कि हम इथेनॉल कहते हैं। देखिए दोनों केसेस में C2H6O C2H6O ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कॉमन है, मगर ये दोनों के दोनों मॉलिक्यूल बहुत डिफरेंट हैं एक दूसरे से। तो आप लोग देख सकते हैं कि इस तरीके से हम लोग फंक्शनल ग्रुप में चेंज करके एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स बना सकते हैं। और केवल यही एग्जांपल नहीं है, इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स आएंगे। इसके लिए आपको स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक जैसे ही रेफर करेंगे आप लोगों को बहुत सारे एग्जांपल्स उसमें देखने को मिलेंगे, मगर मैं लिमिटेड लेक्चर क्योंकि लिमिटेड रहेगा इसलिए इसमें एग्जांपल्स भी लिमिटेड दिए जा सकते हैं। आप लोग देखिए अगर इसको इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना चाहेंगे तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो इसमें भी आ जाएगा। दूसरा पॉइंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, तो यहाँ पे हमारा पॉइंट जो आ जाएगा वो आ जाएगा डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, ये इसमें एग्जांपल आ जाएगा। और अगर मैं कंपाउंड्स बताऊं जो कि इस तरीके की प्रॉपर्टीज दिखाएंगे, तो अभी आप लोगों ने देखा ईथर एंड एल्कोहल, एक पेयर तो ये हो गया जो कि एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हो सकते हैं। इसी तरीके से दूसरा फंक्शनल ग्रुप का आइसोमर्स बोल सकते हैं एल्डिहाइड्स और इनके करस्पॉन्डिंग कीटोन्स, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से साइनाइड और आइसोसाइनाइड, ये भी एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग क्या हो सकते हैं, आइसोमर्स हो सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे पास आ सकते हैं, मगर जस्ट टू नेम अ फ्यू मैंने ये एग्जांपल्स आप लोगों के सामने रखे हैं। तो ये थर्ड कैटेगरी हमारी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के अंदर हुई है, इसका नाम हमने फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म रखा है। इसके बाद नेक्स्ट टू कैटेगरीज जो हैं वो थोड़ी सी रेयर कैटेगरीज हैं, इसको थोड़ा ज्यादा ध्यान से देखेंगे आप लोग। इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म को हिंदी में बच्चे जो पढ़ते हैं उन्होंने पढ़ा होगा मध्यावयवता समावयवता। मध्यावयवता समावयवता में क्या होता है, ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स जो कि बाइवेलेंट होते हैं, जो कि द्विसंयोजी होते हैं, मतलब जो दो तरफ से अलग अलग ग्रुप्स से जुड़ सकते हैं, ऐसे ग्रुप्स इस तरीके की मेटामेरिज्म दिखाते हैं, मेटामेरिज्म आइसोमेरिज्म दिखाते हैं। देखिए इसके एग्जाम्पल्स को मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, CH2, CH2, CH3, ये भी एक ईथर है। अभी आपने इस एग्जांपल्स को पहले पढ़ा, ये एक डाई इथाइल ईथर का एग्जांपल है। ये डाई इथाइल ईथर में बीच में एक O है, ऑक्सीजन है, जिसके दोनों तरफ C2H5 प्लेस हो रखा है। अब देखिए मैं इस कंपाउंड को अगर थोड़ा सा चेंज कर दूं, CH कर दूं, तो आप लोग देखेंगे
CH2 CH2 CH3, ये इसका एक आइसोमर बन सकता है। देखिए हमने क्या किया, केवल ये जो मिडिल ऑक्सीजन था इसको थोड़ा सा इससे एक तरफ लेफ्ट लेकर के आ गया, हमने इसको थोड़ा सा एक लेफ्ट किया तो इस CH2 को इस तरफ हमने रिप्लेस कर दिया। तो अब आप लोगों ने देखा कि मॉलिकुलर फॉर्मूला तो बिल्कुल सेम ही रहेगा, यहाँ पे तो कोई भी डिफरेंस नहीं आया, केवल इसकी पोजिशन में डिफरेंस आया। मगर आप इसको पोजिशनल आइसोमर नहीं कहेंगे बच्चों, क्योंकि इसमें क्या है, ये जो ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप जो है, ये फंक्शनल ग्रुप बीच में आता है, इसलिए इसका नाम मेटा या मध्यावयवता है। इसलिए ये बीच में आने के कारण ये जो दो आइसोमर्स बन रहे हैं ये एक दूसरे के मेटामर्स बन रहे हैं, मेटामर्स मतलब मध्यावयवी बन रहे हैं। तो आप इस तरीके के एग्जांपल्स जहां पे कि फंक्शनल ग्रुप, कोई भी फंक्शनल ग्रुप जो कि कहां आ रहा हो, मिडिल में आ रहा हो, मिडिल में, जो मिडिल में आने वाला, मतलब जो मिडिल में आएगा बच्चों वो डेफिनेट सी बात है कि वो क्या होगा, बाइवेलेंट होगा, मतलब वो दोनों तरफ से ग्रुप्स को जोड़ सकेगा। इसमें भी बस इतना सा डिफरेंस अगर आप लोगों ने पकड़ लिया तो आप मेटामर्स को पकड़ पाएंगे, ठीक है बच्चों। तो मैं इस कैटेगरी के लिए भी कैरेक्टरिस्टिक्स लिख रहा हूं, बल्कि आप लोग खुद देखें इसमें क्या लिखा जा सकता है। अगेन वो सारी बातें तो सेम चल रही है, यहां पे क्या है, डिफरेंस इन मिडिल पोजिशन ऑफ एनी बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप मिडिल में पोजिशन के डिफरेंस आने के कारण ये दो मेटामर्स बने हैं। तो इसमें एग्जाम्पल्स के तौर पे कोई भी ऐसा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं जहां पे कि फंक्शनल ग्रुप बीच में आता है, जैसे कि अभी हम लोगों ने ईथर का एग्जाम्पल देखा, आप लोग कीटोन्स को कह सकते हैं, कीटोन्स भी इस तरीके से एग्जाम्पल्स दिखाएंगे, आप लोग एस्टर्स को कह सकते हैं, आप लोग चाहें तो ओ जैसा होता है बीच में आता है उसी तरीके से एस भी बीच में आते हैं, थायो ईथर्स कहते हैं बच्चों, तो थायो ईथर्स भी इस तरीके के एग्जांपल्स हो सकते हैं। और इस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल्स आप लोग देखेंगे जो कि बीच में आने वाले फंक्शनल ग्रुप्स के कारण पैदा हो रहे। तो ये दोनों ये आपस में एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, मेटामर्स हो जाएंगे। तो ये हमारी फोर्थ कैटेगरी थी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में, और आप देखते जा रहे हैं इन सब के स्ट्रक्चर में एक दूसरे से डिफरेंस है। आप लोगों को अगर स्ट्रक्चर में ड्रॉ करके बताऊं तो आप लोग देख करके ही पकड़ लेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। और अगर आप डिटेल में इन सब बातों को समझ रहे हैं तो इसके बाद आप ये भी पकड़ लेंगे कि ये किस कैटेगरी का स्ट्रक्चरल आइसोमर है, कहने का मतलब उनके अंदर डिफरेंस है तो वो किस लेवल पे है, क्या उनके फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, क्या उन फंक्शनल ग्रुप्स की पोजीशन डिफरेंट है, या फिर उनसे जुड़े हुए ग्रुप्स की लेंथ डिफरेंट है। इस तरीके से बच्चों आप लोग अभी तक मेरे ख्याल से जितना हम लोगों ने डिस्कस किया, अगर आप थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे इसकी तो आप जरूर इसको पकड़ लेंगे। नेक्स्ट कैटेगरी जो है ये भी थोड़ी रेयर आइसोमेरिज्म है, इसका नाम है टोटो मेरिज्म आइसोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म आइसोमेरिज्म क्या है, टोटोमर्स आइसोमर्स को वो होते हैं जो एक दूसरे पे इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को हिंदी में इसको हम लोग पढ़ते हैं जब ट्वेल्थ तक, तो हम इनको कहते हैं चलावयवता समावयवता। चलावयवता समावयवी क्या होते हैं, जो दो फॉर्म एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल हो सकती है, एक दूसरे में चेंज हो सकती है। देखिए मैं आप लोगों को एग्जाम्पल बताता हूँ। ये आप एक एग्जाम्पल देखें और ये एक एग्जाम्पल देखें, इन एग्जाम्पल्स में क्या डिफरेंस है, मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा तो आप लोग ज्यादा इजीली समझ पाएंगे। देखिए अगर मैंने ठीक यहां पे मान लेते हैं कोई एक चेन लगी हुई है, ठीक है, एक अल्काइल ग्रुप की चेन लगी हुई है और यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ CH है और फिर इसकी चेन आगे बढ़ रही है। तो इस तरीके का अगर आपके इस तरीके की कहीं पे स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आपको दिखती है तो ये कंपाउंड अपने को इस तरीके से कन्वर्ट कर सकता है कि डबल बॉन्ड हट करके ये हाइड्रोजन इसके साथ आ जाए, मतलब यहाँ पे CH2 आ जाए। देखिए अगर मैं इसको ए पोजिशन लिख रहा हूँ, इसको भी ए पोजिशन लिख रहा हूँ और ये पूरी रिंग को मैंने R लिखा तो मैंने यहाँ पे R एज इट इज प्लेस कर दिया। आप इन दोनों कंपाउंड्स में एक दूसरे में कन्वर्जन देखें, यहाँ पे जो कार्बन था इसकी वैलेंसी तो 4 सेटिस्फाई हो रही थी, यहाँ पे भी 4 सेटिस्फाई हो रही है, इसमें एक हाइड्रोजन एडिशनल था जो कि हमने यहाँ से हटाया,
तो वो किसके पास भेज दिया बच्चों, इसके पास भेज दिया। तो देखिए एक हाइड्रोजन इसके पास भेज दिया, तो वैलेंसी इस कार्बन की भी सेटिस्फाई हो रही है जो कि पहले भी सेटिस्फाई हो रही थी। तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे की तरह है, कोई भी चीज चेंज नहीं हुई, ना हमने कहीं बाहर से जोड़ी, इसलिए इनके मॉलिकुलर फॉर्मूला भी बिल्कुल एक जैसा ही होगा। तो इसलिए ये दोनों भी एक दूसरे के किस तरीके के आइसोमर्स होंगे जो कन्वर्टेबल होंगे। देखिए ये फॉर्म इसमें कन्वर्ट हो सकती है, ये फॉर्म इसमें कन्वर्ट हो सकती है। अगर मैं इसका नाम बोलूं तो देखिए इसमें एक डबल बॉन्ड है, मतलब ये एल्कीन है, और अगर इसमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो ये एक अल्कोहल भी है, तो इसका नाम इनॉल बोल सकते हैं। इनॉल, इसको हम इन प्लस ऑल बोल सकते हैं, इनॉल बोल सकते हैं। जबकि ये वाली फॉर्म हमें पता है ये हमारे एक कीटोन है, कीटो। तो देयर इज अ इंटर कन्वर्जन बिटवीन इनॉल एंड कीटो फॉर्म, सो दिस इज अ कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, इनॉल कीटो टॉटोमेरिज्म। आप इस तरीके के एग्जांपल इस कैटेगरी में देखेंगे, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चों अगर हम लोगों को लिखनी है तो हम क्या लिख सकते हैं कि इंटर कन्वर्जन ऑफ टू फॉर्म्स, ऐसे ऐसे दो आइसोमर्स जो कि एक दूसरे पे इंटर कन्वर्ट हो सके, ठीक है ना, तो उनको टॉटोमर्स कहेंगे। और इनके अगर हम एग्जांपल लिखेंगे तो मैंने एक एग्जांपल तो आपको कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म का बताया ही है, इसी तरीके से लेक्टम लेक्टिव टॉटोमेरिज्म, इस तरीके की टॉटोमेरिज्म देखने को आप लोगों को एग्जांपल्स में मिल सकती है। तो बच्चों ये फाइव कैटेगरीज है, मैं बहुत क्विकली रिवाइज कर रहा हूँ। चेन आइसोमर्स, जहां पे कि चेन लेंथ में डिफरेंस आता है, पेंटेन या कोई भी तीन कार्बन से ऊपर का कोई भी एल्कीन आप ले लेंगे तो आपका इसका एग्जाम्पल निकल के आ जाएगा। दूसरा हमारा था पोजिशन आइसोमर्स, जिसे हमने स्थान समावयवी कहा है, इसमें डिफरेंस जो होता है फंक्शनल ग्रुप की एक दूसरे पे पोजिशन पे होते हैं। आप पेंटेन या कोई भी मतलब एल्केन ले लें, उसमें कोई भी एक फंक्शनल ग्रुप ले लें और उसको डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन में प्लेस करेंगे तो आपको इसके एग्जांपल्स भी बन जाएंगे बच्चों। ये थर्ड कैटेगरी जो है फंक्शनल ग्रुप, ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स जो कि इस कैटेगरीज में आ रहे हों, इस तरीके की कैटेगरीज के कोई भी फंक्शनल ग्रुप्स अगर आपको दिखेंगे तो वो डेफिनेट सी बात है कि कोई ईथर होगा तो उसका कोई करस्पॉन्डिंग एल्कोहल भी होगा जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा। कोई एल्डिहाइड होगा तो डेफिनेटली एल्डिहाइड ऐसा जिसमें कि कम से कम तीन कार्बन जरूर आ रहे हों, तीन कार्बन से ऊपर का कोई भी एल्डिहाइड होगा तो वो अपना एक करस्पॉन्डिंग कीटोन जरूर होता है उसका। और इसी तरीके से साइनाइड और आइसोसाइनाइड भी देख सकते हैं। अच्छा, मेटामेरिज्म आइसोमेरिज्म में क्या था, ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो कि बाइवेलेंट होते थे, जो कि बीच में आते थे जब उनकी पोजिशन में डिफरेंस आता था, जैसे एक तरफ C3O C3 इस तरीके का और इस तरह इसी तरह O C4। देखिए यहाँ पे भी तीन और तीन छह कार्बन है और यहाँ पे भी दो और चार छह कार्बन है, मगर ऑक्सीजन जो है एक तरफ उसके तीन थे दूसरे केस में एक बार दो थे दूसरे के चार थे, तो ये दो केसेस इसमें अराइज हुए। तो इस केस को आप लोग मेटामेरिज्म के अंदर काउंट करेंगे। इसको कभी भी पोजिशन आइसोमर्स के साथ कन्फ्यूजन नहीं बच्चों लेकर के आना, क्योंकि पोजिशन आइसोमर्स में फंक्शनल ग्रुप जो होगा वो यूनिवेलेंट होगा और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप जो होगा वो बीच में आएगा, मतलब वो बाइवेलेंट होगा। नेक्स्ट इज टॉटोमेरिज्म, टॉटोमर्स क्या होंगे जो कि एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होंगे या हो सकेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने कीटो और इनोल टॉटोमेरिज्म इस कैटेगरी में बहुत अच्छे एग्जांपल मैंने आप लोगों को समझाया, और उसके अलावा आप लोगों ने लेक्टम लेक्टिम टॉटोमेरिज्म देखा, मतलब उसके एग्जांपल्स आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को बुक्स में बहुत ज्यादा मिल जाएंगे। तो इस तरीके के जो कन्वर्जन होंगे वो टॉटोमर्स या टॉटोमेरिज्म के।